क्या हुआ क्या हुआ? दूर 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 रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। लड़कियों और महिलाओं के साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है और उनके साथ कितना बार भेदभाव, छेड़खानी और गलत व्यवहार होता है। ज़्यादातर जो है वो रिकॉर्ड में ही नहीं आ पाते हैं, सामने नहीं आ पाते हैं, या फिर लड़कियां जो हैं या युवतियाँ जो हैं वो इसे इग्नोर कर देती हैं। ताज़ा मामला आपको हम दिखाते हैं, पटना के बेली रोड का है। कल यानी कि 1 दिसंबर की शाम का है, लगभग 7 बजे का समय। म्यूज़ियम, जो नया म्यूज़ियम बना है उसके सामने आप विजुअल में देख सकते हैं, एक लड़की जो है एक लगभग उम्रदराज व्यक्ति को कैसे मार रही है। हमने ये वीडियो बनाया और देखा। बहुत देर तक ये घटना चलती रही, लगभग 4-5 मिनटों तक। आखिरी समय में हम भी पहले समझते रह गए आखिर हुआ क्या है। देखिए ये लड़की किस तरह है, जो चप्पल से मार रही है एक व्यक्ति को। और जब हमने पता किया तो उस लड़की का कहना था कि ऑटो में इसके द्वारा छेड़छाड़ की गई, गलत हरकत की गई। आपको बता दें कि ऑटो में या किसी भी बस हो, ट्रांसपोर्ट बस हो या कहीं भी, ज़्यादातर महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है और महिलाएं जो है, युवतियां जो है, इसे इग्नोर करती हैं या फिर ये मान लेती हैं कि ऐसा हमारे साथ होते रहता है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो इसका प्रतिकार करती है और यही देखने को कल मिला बेली रोड में। सुनिए लड़की क्या कह रही है। क्या हुआ क्या हुआ? दूर 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 रहो दूर रहो। तो जैसा कि आपने सुना कि मैं खुद गया वहाँ पर भीड़ को देख के, चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर, लोग कम रहते हैं। और जब मैं गुजर रहा था, शादी में एक जा रहा था, तो देखा कि एक जो लड़की है एक उम्रदराज व्यक्ति को मार रही है, बहस कर रही है। तो कुछ देर तो मैं भी देखते रहा, फिर उसके बाद आया और पूछा तो बताया लड़की ने कि ऑटो से वो आ रही थी और इसके साथ छेड़खानी की गई और जो टचिंग है वो किया गया, जिसको लेकर लड़की का जो गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर चला गया और उसने अच्छा सबक सिखा दिया। काफ़ी अफसोस हो रहा था इस घटना को देखकर कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत कर सकता है। लेकिन खुशी इस बात को लेकर भी हुआ कि युवती ने, लड़की ने इसका तीव्र प्रतिकार किया और अच्छा सबक सिखाया। अगर ऐसे ही हर एक लड़कियां जो हैं वो बोल्ड होकर स्टेप उठाएं और उनके साथ जो भी भेदभाव या गलत बर्ताव होता है उसको लेके वो प्रतिकार करें, विरोध करें, तो ऐसी घटनाएं स्वतः रुक सकती है। और बता दें आपको हम कि महिलाओं के साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना भी बड़ा शहर हो, गाँव हो या कस्बा हो, वहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो गलत हरकत करते हैं और इसी का परिणाम ये होता है कि जो घटनाएं हैं वो होती हैं, या फिर मैक्सिमम ज़्यादातर जैसा कहा जाता है कि वो घटनाएं बाहर आ ही नहीं पाती है। लेकिन ये पटना में बेली रोड में, आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रोड और म्यूजियम के सामने वहाँ पर ऐसी घटना घटी। काफ़ी देखकर अफसोस लगा उस व्यक्ति के लिए भी कि अपनी बेटी की उम्र के साथ ऐसा गंदा हरकत उसने किया और उसके बाद कैसे सरेआम उसकी बेइज्जती हो रही है, उसकी पिटाई हो रही है और वो चुपचाप सहते जा रहा है। और जवाब में भी उसके पास कोई मजबूत जवाब आधार नहीं था उसका। अगर कोई गलती जिस पर आरोप लगता तो वो उसका तीव्र प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, लेकिन वहाँ उसकी जो बातें थी या उसके मार खाने का जो तरीका नज़र आ रहा था, इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो ये वीडियो है बेली रोड का और ऐसे में
जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें काफ़ी बोल्ड रहने की ज़रूरत है, अपने आप को कमज़ोर रहने की ज़रूरत नहीं है। और इस लड़की ने एक कड़ा जो है इसका एतराज़ दर्ज कराया और ये दिखा दिया कि अगर उसके साथ गलत होगा तो वो सहने वाले नहीं है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।